आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती। विकासखंड के आसपास की नदियों पर खनिज माफियाओं द्वारा जमकर अवैध उत्खनन और परिवहन रहे हैं, लेकिन अफसरों को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे नदी का स्वरूप बिगड़ गया और खनिज विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा। खनिज माफिया इन दिनों रेत का जमकर कारोबार कर रहे, अफसरों की कार्रवाई न होने के कारण ये माफिया भी बेफिक्र हो गए हैं। क्षेत्र की नदियों से प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बड़ी संख्या में रेत रेत का खनन परिवहन जोरों पर है। अधिक संख्या में ट्रैक्टर अवैध उत्खनन पर नदियों से रेत निकालकर क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों और गांव और वेयर हाउस में सप्लाई कर रहे हैं। पूर्व में भी इस संबंध में कार्रवाइयां की गई हैं और इस संदर्भ में अभी पुनः एक टीम गठित की जा रही है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी रहेंगे और राजस्व की टीम भी रहेगी और खनिज अधिकारी भी रहेंगे और उनके द्वारा संयुक्त कार्रवाइयां फिर से स्टार्ट करेंगे। क्या बिना नंबर की ट्रैक्टर टालियां जो पकड़ा रही, इन पे भी विभाग कार्रवाई करेगा? इनके लिए RTO को हमने पूर्व में भी पत्र लिखा है और इस संदर्भ में हम फिर से अगर ऐसी कोई ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी जाती है तो उस संदर्भ में RTO महोदय को पत्र लिखकर और उनके द्वारा कार्रवाई कराई जाएगी। संजय अग्रवाल संवाददाता की रिपोर्ट।